हेलो फ्रेंड्स, मैं अगर आप लोग हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर द वन पेज। तो आज हम बात करेंगे रोज़ मॉस के ऊपर, या फिर ऑफिस टाइम बोल सकते हैं, 9 o'clock बोल सकते हैं इनको। फ्रेंड्स, इनके ऊपर काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं, तो इनके ऊपर कुछ बात करेंगे दोस्तों। और इनकी कटिंग इजीली ग्रो हो सकती है इस वीडियो में, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, नहीं तो फिर हमने एक यूज़ ऑफ प्लास्टिक बॉटल बताया था, उसमें देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक ही प्लांट में डबल कलर निकल रहा है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों। तो इसी पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये प्लांट पॉर्ट्यूला का नाम से भी फेमस है और इंडिया में बिच्छू वेल भी कहते हैं इसको दोस्तों। और फ्रेंड्स, इसमें दो वैरायटी आती है, एक तो इंग्लिश और एक इंडियन। इंडियन मतलब देसी, और देसी वैरायटी जो होती है वो कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो हो जाती है दोस्तों। बट ये जो इंग्लिश की बेल होती है, ये कटिंग के थ्रू ग्रो नहीं होती है, इसको सीड से या फिर हमें नर्सरी से ही परचेस करना पड़ता है। बट हमारे पास ये जो वैरायटी होती है फ्रेंड्स, वैरायटी होती है, इसमें दो कलर आते हैं, एक तो रेड होता है, एक वाइट होता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों इजीली ग्रो हो जाते हैं। और मैं रेड और वाइट का डिफरेंस बता देता हूँ। जिसकी स्टेम हल्की सी वाइटिश हो, जो वाइट कलर की स्टेम है वो वाइट कलर का फ्लावर देगी, और जो रेड कलर का स्टेम देता है, जो रेड कलर का स्टेम है वो रेड कलर के फ्लावर देगा। तो आप दोनों स्टेम चेक कर लें, ये वाइट है और ये रेड है। फ्रेंड्स, जिस तरह ये रेड मतलब पिंकिश रेड हो जाएगा दोस्तों, और इसमें डबल शेड ऑटोमेटिक आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये रेड और वाइट को हमने साथ में लगा रखा है, तो इसमें डबल शेड ऑटोमेटिक आ गया है। और हमारे पास एक येलो कलर का भी है। तो फ्रेंड्स, हमारे रोज़ मॉस काफ़ी सारे वेराइटीज़ में आते हैं और काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं। दो कलर आपके सामने हैं दोस्तों, ये डबल शेड में है। पर फ्रेंड्स, हमने ये प्लांट परचेस करा था तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये कलर देखकर परचेस करा था, पर ये एक कुदरत का करिश्मा है दोस्तों, जो हमें ये कलर, ये शेड मिल चुका है हमारे रोज़ मॉस के अंदर ऑटो इलाका में। फ्रेंड्स, हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हमारे पास डबल शेड और एक ही प्लांट के अंदर ये चीज़ मिली है। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे प्लांट परचेस करके लाइए तो आपको भी काफ़ी सारे फ्लावर्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, इन फ्लावर को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये फुल सनलाइट में सबसे ज़्यादा फ्लावर देगा, और अभी रेनी सीजन में कुछ हद तक फ्लावर देगा फ्रेंड्स, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये सर्दियों में थोड़े से डाउन हो जाएंगे, बट ये फ्लावर तो करेगा ही करेगा फ्रेंड्स। इसका काम है फ्लावर करना, और सिर्फ फ्लावर करना। और अगर इनको कहाँ ग्रो करना है उसकी बात करें दोस्तों, तो ग्रो तो आप इनको पॉट में ही करिए, आप ज़मीन पर ग्रो ना करिए, क्योंकि ये पॉट में सबसे बेस्ट रहते हैं। अगर आप ज़मीन पर ग्रो करते हैं तो इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो उसी तरह, जिस तरह ये हमने पॉट में लगा रखा है, और पॉट भी काफ़ी अच्छा बड़ा है, तो इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। और ये ऊपर से नीचे जो बेल होती है, उस तरह ये नीचे की तरफ लटकते हुए ऊपर की तरफ मुड़ते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं दोस्तों। बात करते हैं इनमें वाटर किस तरह देना है। तो वाटर आप नॉर्मल प्लांट की तरह दे सकते हैं, और अगर वाटर नहीं भी देते हैं तो भी दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन प्लांट्स को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपना गार्डन खूबसूरत बनाना है तो इस तरह के फ्लावर वाला प्लांट, रोज़ मॉस, बिच्छू वेल बोल सकते हैं आप किसी भी नर्सरी पर जाकर, तो वो आपको ईजिली ये दे देगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा शॉर्ट वीडियो था फ्लावर्स के ऊपर, बेस्ट फ्लावर और जिनको केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।